झगड़ा है ही के साथ है, हम बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी समस्या इस देश में वही आती है कि इस्लाम खतरे में आ जाता है, छोटी छोटी बातों पर बिल्कुल नहीं आएगा। तो मैं कहूंगा चलवा रहे हैं आप, बुलेट ट्रेन चलवाइए ना भाई, करने का प्रयास कीजिए तो बिल्कुल विवाद ही खत्म है ना। फिर तो हमको सरकार को तथ्य देना है, सरकार जाके इन्वेस्टिगेशन में जाएगी, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। सरकार का बात की है, अब आप किससे आप सवाल कर रहे हैं? अरे मुझे बताइए, इतिहास में इतनी जबरदस्त घपला दिखाई दे रहा है कैसे भाई? तो आज सत्य सामने लाने की जरूरत है। आप कोर्ट में पार्टी किसको बनाएंगे ये बताइए? गलत बातें दर्ज करके विक्रमादित्य जी कोर्ट में पार्टी किसको बनाएंगे? इतिहास भी हमारे साथ है। अगर आप सरकार बनेगी ना, सरकार सरकार कर रही तो आप सरकार के नुमाइंदे नहीं है ना भाई? ठीक है ठीक है। ओम जी उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि इतिहासकार भी हैं। ओम जी उपाध्याय साहब, आखिरकार ये विवाद उठा कहां से? सैकड़ों साल से ताजमहल वहां पर है और लंबे समय से वहां से जो है भाई भारत सरकार को आय भी होती रही है, रेवेन्यू आती रही है। तेजो महले का ये पूरा मामला कहां से उठा है और क्या आधार है उसके पीछे? चंदन जी, आपने आपने अभी थोड़ी देर पहले जिस किताब का जिक्र किया, वास्तव में 1960-70 के दशक में एक इतिहासकार हुए डॉक्टर पी एन ओक, पुरुषोत्तम नागेश ओक, जो मूलतः पहले पत्रकार थे, बाद में उन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज जैसे बड़े प्रतिष्ठित कॉलेज में अपनी सेवाएं दी इतिहास विषय में जी। उनकी एक किताब आई, मूलतः मराठी में आई, बाद में उसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ, ठीक है, हम ताजमहल द ट्रू स्टोरी के नाम से जानते हैं। उसमें उन्होंने बड़े सिलसिलेवार तरीके से बहुत ढेर सारे तर्क तथ्य और प्रमाण अपनी ओर से दिया, जिसमें बहुत विवाद उठा, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी रही, लेकिन उन्होंने बहुत ढेर सारे ऐसे प्रमाण इकट्ठे किए जिसके आधार पे कहा कि ये साहब राजा मानसिंह और उसके बाद उनके पोते राजा जयसिंह की संपत्ति थी, जिसे शाहजहां ने लेकर उस पे बनवाया और वहां पर विष्णु और शिव मंदिर होने का उन्होंने दावा किया। उसके पीछे तो उन्होंने तर्क लिया कि क्यों ये वैष्णव और शिव मंदिर वो कह रहे हैं। उसका तर्क उनका ये था कि 1100-12वीं शताब्दी के मध्य में राजा परमर्द देव का एक अभिलेख है, जो जिसे हम पटेश्वर से जो प्राप्त हुआ, उस अभिलेख का उन्होंने जिक्र किया, उसकी लाइनों का, उसके 34 श्लोक हैं जिनका उन्होंने जिक्र किया और कहा कि चंदेल शासक जो परमर्द देव है उनके एक मंत्री सुलक्षण ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। ओम जी उपाध्याय जी, ठीक है ये सारी बातें कही गई, लेकिन एक किताब के बेसिस पर ताजमहल को खुदवा करके और वहां मंदिर के साक्ष्य तलाशने की बात कहना, ये कितना जायज है सर? नहीं, ये बात कहना और इस बात का इंप्लीमेंटेशन होना दोनों दो चरण है, दो स्तर है जी। कहने में कोई हर्ज नहीं है। देखिए, अगर किसी की किसी को लगेगा कि उसकी भावना वहां से जुड़ी है, उसकी श्रद्धा या आस्था का केंद्र है और उसको तोड़ा गया है, तो ऐसा कहने में कोई आपत्ति नहीं है। बाकी तो ये बात ये सही है कि ये देश संविधान से और विधान से चलने वाला देश है जी। ये देश प्रक्रिया से चलने वाला देश ठीक है। और महन जी, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि एक महिला कांवड़ लेकर के वहां पहुंच गई थी। अब ये सब चीजें होना सर, ये तो कतई जो है अब मंदिर तो है नहीं, अगर मान लीजिए तय होगा, मुकदमा होगा और उसमें जो भी समय लगेगा, कांवड़ लेकर के वहां पहुंच जाना, ये सब क्या दिखाई? ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं है? आज भी ताजमहल के बगल में नमाज पढ़ी जाती है शुक्रवार को, क्या है? नहीं तो वो तो मस्जिद बनी हुई है ना सर, एक महिला कांवड़ लेके पहुंच गई, क्या आपत्ति आ गई भाई? नहीं, वो तो मस्जिद बनी हुई है, वहां शुक्रवार को 2 घंटे नमाज पढ़ने की इजाजत है। संविधान से चलेगा पर संविधान सबको मानना पड़ेगा, केवल हिंदुओं को नहीं, सबको मानना पड़ेगा। 3 तलाक पे संविधान नहीं मानेंगे, हलाला पे संविधान नहीं मानेंगे, समान नागरिकता पे संविधान नहीं मानेंगे, जहाँ मीठा होगा खा लेंगे, खट्टा थूक देंगे, क्या मतलब है जी? मैं फिर भी कह रहा हूँ कि देश संविधान से चलता है, हमें कानून का पालन करना चाहिए। मैं सभी हिंदुओं से निवेदन भी करता हूँ कि भारत देश में आकर के ऐसा कुछ न करें जो कानून का उल्लंघन हो, ठीक है? वो वहाँ जाकर के जल चढ़ा दिया तो मुझे लगता है उसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं हो गया, ठीक है? यहाँ पर एक चीज है गुलाम सरवर साहब, एक चीज यहाँ जो विवाद की वजह ये भी उठती है, हिंदू पक्ष ये कहता है कि चलिए मान लीजिए ताजमहल को लेकर के तो एक किताब है, इसके अलावा जिन जगहों पर साक्ष्य होते हैं वहां तो मुस्लिम पक्ष कहीं जो है भाईचारे की बात नहीं करता, वहां तो सीधे बोला जाता है कि भाई अदालत से ही मामले का सुनवाई होगा। अभी अभी जो है मथुरा जन्मभूमि को लेकर के भी वही, केशव देव को लेकर मंदिर को लेकर विवाद हो रहा है, वहां सौहार्द की बात तो नहीं आती है? देखिए, अभी जो इतिहासकार ने आपके सामने बातें रखी हैं, जितने भी विवाद हैं वो
इतिहासकारों के लिखी किताबों के आधार पर ही नहीं, केशव देव मंदिर को लेकर आधार पर नहीं, यस, नहीं नहीं आधार ही वहां पर सबूत मिले हैं, नहीं वहां पर सबूत मिले हुए हैं, नहीं सबूत कहीं नहीं मिले जी, सबूत ढूंढने का तो क्या, नहीं नहीं वहां जब काशी विश्वनाथ मंदिर में शिवलिंग मिला उसको फवारा बताया गया था, काशी विश्वनाथ मंदिर जो है ये अदालत के आदेश पर वहां पूजा शुरू हुई है, पूरी बात होने लीजिए, काशी विश्वनाथ हो या मथुरा हो जी, ये दोनों जो हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है वो हिस्ट्री में जब जब कुछ पाया गया, लेखकों ने कुछ लिखा, नहीं 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 साक्ष्य है किसी सर की नजर नहीं, पड़ी, नहीं, 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 गलत तभी वहां से ये विवाद सर, 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 नहीं ये ठीक नहीं है। विक्रमादित्य जी रिस्पॉन्ड करें, देखिए सत्य बात मान चले, इस जनमानस के अंदर सत्य उबल रहा है और अब उबाल मार रहा है, उसको हमें प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता, मैं तो कहूंगा सरकार से एक ट्राइब्यूनल बनाना चाहिए इन सब बाबतों के ऊपर, एक ट्राइब्यूनल बनाए और जहां जहां जिनके सत्य सामने लाने का प्रयास करें, पहले घबराएं नहीं कि किसी को भी तोड़ दिया जाएगा, सत्य सामने लाना, शोध करना एक वैज्ञानिक शोध का एक व्यवसाय होना चाहिए, आज हम आधुनिक हो रहे हैं इसका कतई यह मतलब नहीं कि हम अपनी पुरातन चीजों को भूल जाएं, ठीक है, सबसे पहले शोध करें, सत्य करें, सत्य को सामने लाएं, यह नहीं है कि जो है जैसा है वैसा है, लेकिन सत्य को जानना चाहिए इस देश में क्या क्या हुआ और उसके लिए एक ट्राइब्यूनल इस सरकार को अवश्य बनाना चाहिए, तो जरूरी है, ठीक है, ये तो जरूरी है सत्य जानने के लिए। और अभी मुक्तेश्वर आनंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि शंकराचार्य हैं, अभी भी मुक्तेश्वर आनंद जी, जी न्यूज पर आपका स्वागत है, तेजो महालय बनाम ताजमहल का विवाद खड़ा हुआ है, क्या कहेंगे आप बताओ शंकराचार्य इस पूरे मामले को लेकर? हाँ जी, जो ये ताजमहल में जलाभिषेक किया गया है मकबरे का और दावा किया गया है कि तेजो महालय शिव मंदिर है, इस पर क्या कहेंगे? संसद में बैठे हैं, इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, यहाँ गौ संसद चल रही है, आपका सम्मान किया गया है, बीच में बात कर रहे हैं, दूसरे प्रश्न कृपया ना उठाएं, यहाँ गौ से संबंधित कोई प्रश्न हो तो पूछिए, ले जाओ, ठीक है, वो इस मुद्दे पर वो बोलने को राजी नहीं है। इन सब के बीच नूर अहमद अजहरी साहब, जैसा कि जो केशव मंदिर को लेकर, केशव देव मंदिर को लेकर के बाकायदा अदालत में जाकर के सारी चीजें करनी पड़ रही हैं, अभी ताजमहल को लेकर के आप जो है सौहार्द की बात कर रहे थे, सीधे सीधे भाई कुछ कुछ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जहां सबूत है वहां तो बोलना चाहिए ना मुस्लिम समाज को आगे बढ़कर कि भाई हाँ ठीक है इस मामले में जांच होनी चाहिए। साफ लफ्जों में मेरी बात सुनो, साफ लफ्जों में, मैं तो उनकी बात करना भी नहीं चाहता जी, अयोध्या एक विवाद था, अयोध्या विवाद, अयोध्या विवाद पर हिंदू पक्ष के पक्ष को सफलता मिली, लेकिन कोर्ट ने वहां भी कहा है कि पूरी मंदिर तोड़कर पूरी मस्जिद नहीं बनाई गई, नहीं चलिए अयोध्या में मंदिर बन चुका, वो विवाद खत्म हो चुका है, वो सेटल हो चुका है, हिस्ट्री का पार्ट कैसे खत्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हाथ में, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आया ना कि वहाँ पर जो हिंदू पक्ष को दिया गया उस मामले में दिया गया था नहीं दिया गया, नहीं ये ये हम नहीं आप कैसे करें, सुप्रीम कोर्ट अभी अभी यही बात तो हिंदू पक्ष फैसला है, कभी राम मंदिर वहाँ था ही नहीं, हिंदुओं को हम दे रहे हैं, देखिए आप सौहार्द की बात, अभी 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 थोड़ी देर पहले आपने सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया गया फाइनल, आप गलत बात गलत बात गलत गलत बात गलत बात, सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही है, माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश सर्व सहमशन है ये जी, ये मेंशन है जी कि वहां नमाज भी पढ़ी गई, इंडिया की ताला लगाया गया, कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई जी, इसके कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, ठीक है व्यास जी तो मिले ना, और हाई कोर्ट ने भी इस बात को माना, ठीक है ठीक है, यह बांटा था, अच्छा ठीक है एक सेकंड 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 एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट सरवर साहब एक मिनट एक मिनट एक मिनट बात सुनिए, अगर आपकी दलील के हिसाब से जी देखा जाए, नहीं आदेश नहीं, एक सेकंड, उस हिसाब से अभी ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे व्यास जी के परिसर में पूजा हो रही है, वहां तो सबूत है, अदालत का आदेश नहीं, आप बहुत अदालत का आदेश है, ये सही है सर, बहुत अदालत का आदेश है, नहीं पहले आप बोलिए गलत थे, आप पहले ये कहिए कि अदालत मानते हैं नहीं मानते, हम तो मानते हैं, आप मानते हैं कि नहीं, आप मानते हैं कि हम तो मान रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सवाल उठा रहे हैं, जमीन छोड़ दी आपने, दावा छोड़ दिए, आपके पास कोई विकल्प नहीं था, अदालत कहेगी कि आप छोड़ देंगे, नहीं था आपके पास विकल्प नहीं था सर, आपने छोड़ा नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आया, विकल्प आप विकल्प देंगे तब ना भाई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आया सर, आचार्य विक्रमादित्य क्या कहेंगे? देखिए ज्ञानव्यापी का केस आपके सामने है, नीचे मंदिर है ऊपर मस्जिद कैसे आ गई,
प्रत्यक्ष रूप से समझने की आवश्यकता है। पूरा विश्व अंधा है क्या भाई? जनमानस के अंदर ये बताइए कि नीचे व्यास जी का तहखाने के अंदर पूजा पाठ हो रहा है और ऊपर जाके एक जगह पर आप लोगों ने वहां मस्जिद पढ़नी, नमाज हम लोगों ने नहीं बनाई, इस देश का दुर्भाग्य जिसकी मस्जिद थी उसी ने बनाई भाई। जो हम आपकी बात को इस देश में हिंदुओं ने स्वीकार किया, हिंदुओं ने आपका विरोध न्यायिक प्रक्रिया से हम विरोध कर रहे हैं और उसका न्यायिक प्रक्रिया के सामने ही जाकर विरोध कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद पर प्रक्रिया से सिर से ऊपर पानी निकल जाता हिंदू मुसलमान आप करा रहे हो, ये आपकी हिम्मत ही नहीं थी। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां होती, किसकी होती, आप जिस तरह से बहादुरी दिखा करके सरकार ना होती है जनाब, सुन लीजिए, विवाद लगातार चल रहा है। ये बात लगातार 400 साल से लगातार विवाद चल रहा है इस देश के अंदर, चाहे सरकारें आए सरकारें जाए। आप कान खोल के समझ लीजिए, ये मत कहिए कि आज बीजेपी की वजह से, लेकिन बीजेपी के जिस व्यक्ति के कारण से ये हो रहा है उसको हम सल्यूट करते हैं, उसको हम धन्यवाद देते हैं कि इस देश की सरकारों ने हिम्मत दिखाई पहले की लगातार तुष्टिकरण से उठ के काम किया। जो आप तुष्टिकरण का हलवा लगातार खाते आए हैं, अब वो आगे संसार में चलने वाला नहीं है। पूरा विश्व आपकी सत्यता को समझ रहा है। अब इस्लाम को भी इस बात को समझना चाहिए कि दूसरों को भी जीने का हक है। इस संसार में जो भी आए हैं वो अपने धर्म के अनुसार से, अपनी मान्यताओं के अनुसार से जिएंगे और सत्य को सामने लाने का प्रयास करेंगे। तलवार के बल पर आप लोगों ने इस देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जितना रक्त बहाया है, अब उसका विरोध करने के लिए, न्यायिक दृष्टिकोण से विरोध करके सत्य सामने लाने का प्रयास करें। आपके कुकर्म जो है, आपके लोगों के कुकर्म सामने लाए जाएंगे। ना तो कोई भाषा सही होनी चाहिए, ना डरेगा, इस बात को समझ लीजिए आप। तो आपके पूर्वज तलवार के डर से आए थे, हमारे को तलवार से नहीं आए। आप लोगों ने 400 भाषा की भाषा चौहान भारत में चौहान यहाँ बोले गए शब्दों के लिए हम जिम्मेदार नहीं है। सभी मेहमान भाषा की मर्यादा बनाए रखेंगे, सभी शब्दों में आचार्य विक्रमादित्य जी त्यागी मुस्लिम भी है, चौहान मुस्लिम भी है, जरा उनसे पूछिए तलवार के मोड़ पर आए थे। किस प्रकार से चौहान डरपोक होते हैं? आप मानते हैं ब्राह्मण राजपूत भी डरपोक होते हैं? वो भी तलवार से डरते हैं। थोड़ा चुप रहे माननीय न्यायालय की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अरे सर, गली की लड़ाई नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने अपनी न्याय के 10,000 पेजों के अंदर एक लाइन लिखी है कि भारत के अंदर जजिया लगाया गया था 95% और जो नहीं देगा हिंदू नहीं देगा वो जीने का अधिकार नहीं मिलेगा, ऐसे कन्वर्जन कराया गया था। अगर हिंदू और मुसलमान दो लोगों से हो जाए तो हिंदू को दे दी सजाए मौत। जिस प्रकार से आप लोगों ने डर दिखा के, भय दिखा के कन्वर्जन कराया है, आपके बाप दादा उसके प्रमाण है। जिस हाईकोर्ट की जज की टिप्पणी पर आप बात कर रहे हैं वो टिप्पणी है उनकी, फैसला नहीं है, फैसले के अंदर लिखा है। सर्वर साहब, अभी जो है ताजमहल को लेकर आप बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे शुरुआत में कि सरकार पार्टी होनी चाहिए, मुस्लिम समाज को कुछ नहीं। नहीं, पूरी बात सुनिए ना, उसमें मुस्लिम पक्ष को कुछ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जहां प्रमाण की बात होती है आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश तब मानेंगे जबकि आपके पक्ष का होगा, नहीं होगा तो उसमें आया ना, माना कोई विकल्प नहीं था। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर आपके पास मौका है तो फिर यहाँ तो नारे अब अदालत सिर्फ बच गया है। जज साहब का बयान जो अभी कोर्ट कर रहे हैं, माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज साहब, आप बोलने दीजिए पहले, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज साहब का एक टिप्पणी है, अगर इस तरह से धर्मांतरण चलेगा तो हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। जज साहब हिंदू अल्पसंख्यक हो जाए, खत्म हो जाए, आप जज के पद पर है, आपको ये कहने का अधिकार नहीं था। सरवर साहब, आपको कुर्सी से हटकर बोलना चाहिए। सर्वर साहब, आंकड़े जो हैं, आबादी के जो आंकड़े हैं वो उसको तस्दीक करते हैं। साहब, हमारे पूर्वज भी हिंदू थे, तस्दीक नहीं, 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 नहीं सर, तो आपका धर्म घट रहा तो हम जिम्मेदार नहीं है ना। अरे आप हमारे, आपकी बात मत कीजिए ना सर, आप अपना घर संभालिए ना भाई, इस देश में हम तो वो जो हमारे, अरे कन्वर्जन हो रहा है साहब, जैसे ही लोग इस्लाम की तरफ आए तो मेरे लिए गर्व की बात है। तलवार के आगे डरे नहीं, लेकिन आपके लोग डर गए थे, डर के मारे भाग गए। अब कौन डर रहे हैं? तो आप स्वीकार कर रहे हैं कैसे कन्वर्जन हो रहा है? अभी जो रिपोर्ट है आपके बाप दादा जो लेटेस्ट रिपोर्ट है आचार्य जी, 10 पीढ़ी पहले जो उसमें फास्ट गोरा इंग्रेजन है, सुंदर गौरव बना रहे थे इस देश का, उनको तो उनको याद करो, उनको याद
करो, बेकार बातों में मत लड़ो, सत्य सामने लाने की बात की जा रही है। सत्य यह है कि आज भी लोग इस्लाम के प्रति तेजी से आ रहे हैं। मत करो, टेंशन मत लीजिए, इस्लाम के नाम पर जबरदस्ती वाली बात कर रखी है उसका विरोध करो जनाब। पूरी दुनिया में लोग इस्लाम की ओर आकर्षित हो रहे हैं जी। मुसलमान है वर्ल्ड का सबसे फास्ट ग्रोइंग रिलीजन है, क्यों है? एक सेकंड सर्वर साहब, ऐसा है कि अगर जो है किसी धर्म की, अगर मान लीजिए सबको भारत में, हम पूरी दुनिया की बात ना करें, भारत में सबको आजादी है, लेकिन कन्वर्जन जिस तरह से किया जा रहा है वो आज ही हमने एक रिपोर्ट भी दिखाई है सर, जहां पर पाकुड़ में वहां पर आकर के शादी की जा रही है बांग्लादेश से, और वहां से आकर के आदिवासी उधर लड़कियों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। अकेले चिंताजनक चीजें हैं वहां पर, और अगर अदालत ने कोई चीज कही है आप तय नहीं करेंगे, अदालत तय करेगा। यहां अदालत संविधान के हिसाब से चीजें चलती है सर। नहीं, और संविधान में भी ये कहा गया है कि डराकर धमकाकर अलाउड नहीं है। अब डराकर धमकाकर हिंदू धर्म में बांध कर रखा जा रहा, मैं ये कह रहा हूं अदालत, किसको सरकार, मीडिया, सारी ताकत आपने लगा दी, उसके बाद ही लोग जा रहे हैं यहाँ पर, आप आरोप लगा रहे हैं। राम सरवर साहब या अजगरी साहब, यहाँ पर इस चैनल पर एक तथ्य उपस्थित कर दें कि हिंदू धर्म ने किसी को भी डराकर धमकाकर और भेदभाव जा रहा अपने धर्म में लाने का प्रयास किया। लीजिए 1950 में पहली बार नेहरू जी ने रोका, प्रेम का धर्म है, सम्मान का धर्म है, यहाँ जबरदस्ती नहीं कराई जाती। तेरा मर्जी है तू पूछ, तेरी मर्जी है तू ना पूछ, ये भारतीय संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, आनंद की संस्कृति है। इस्लाम खतरे में कलावा बांध के, छलावा बांध कर आप पहुंच जाते हैं, और वहां पर आज झारखंड में जाके देखो, रिपोर्ट है झारखंड में, झारखंड की वहां की आदिवासी महिलाओं को किस प्रकार से बिना पूछा कर उनके शादी कर उनकी जमीनों पे कब्जा कर रहे हो, उनकी जमीनों के ऊपर हर जगह भारत के अंदर हर कोने पर पैसे दिए जाते हैं। ये पूरी सामने नजर आ रहा है, एक दिन बेला घुसला की बात कर रहे हो भाई, कितने लव जिहाद के ऊपर कानून क्यों आया, लव जिहाद हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है आचार्य जी, ठीक है। नूर अहमद अजहरी साहब सभ्य भाषा में अपनी बात रखेंगे सर, कोई आक्रामक कोई भड़काऊ बात नहीं। नूर अजहरी साहब का वॉल्यूम अप कर दें, बोलिए नूर अहमद अजहरी साहब, अपनी बात संयत भाषा में सर। देखिए अगर हमसे कोई सही ढंग से बात करेगा तो सही से जवाब देंगे जी, हमें भी सौहार्द आता है। मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि जो भी ये ताजमहल का मामला सामने आया है जी, सर हमने आपसे स्पष्ट कह दिया ये अंतर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक धरोहर है, ठीक है। जैसे कि अभी 1960 का इतिहास एक साफ बयान कर रहे थे, ठीक है, इतिहासकार। हाँ, वो तो मैंने भी कहा सर, वो तो ओम जी ने भी कहा। नहीं, सवाल ये है, ये कहा गया, ये तो मैंने सवाल पूछा कि भाई ताजमहल में ऐसा कौन सा सबूत मिला है, लेकिन जहां सबूत मिलने की बात आती है वहां इतने आक्रामक क्यों हो जाते हैं? सरवर साहब इतनी अच्छी अच्छी बातें शुरू में कह रहे थे, बाद में जो है हिंदू मुसलमान और जाके कन्वर्जन इस्लाम की तारीफ और शान शौकत के कसीदे पढ़ने लगे, ऐसा क्यों हो जाता है सर? आप एक ही पक्ष को देख रहे हो ना, सुन रहे हो? मैं एक पक्ष को देख रहा हूँ, बजट के इस बहस की शुरुआत में 15 मिनट जो है मैंने जो है ग्रिल किया है हिंदू महासभा के लोगों को, तब ठीक था जी। अजहरी साहब ये जो है ना सुविधा की बातें जो है मत कीजिए सर, जब तक मैं बोल रहा था हिंदू पक्ष के को ग्रिल कर रहा था आपके लिए बड़ा अच्छा था, जैसे ही मैंने आप पर सवाल खड़े किए आपके लिए दिक्कत खड़ी हो गई। आगरा के ताजमहल से बहुत बड़ी खबर, जलाभिषेक को लेकर के हिंदू महासभा का बयान इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। ताजमहल में शिवलिंग छाया गौतम का ये दावा, छाया गौतम जिन्होंने ये पूरी प्लानिंग की थी उनका दावा है, हिंदू महासभा की जिलाध्यक्ष हैं, उनका ये दावा है कि आगरा के ताजमहल में तेजो महालय मंदिर है और हमने यहाँ पर जलाभिषेक की तैयारी की थी। निश्चित तौर पर ये तेजो महालय शिव मंदिर है जिसके बहुत सारे प्रमाण हिंदुओं के पास है, और तभी हम लोग न्यायालय में गए हैं, प्रमाण के बहुत सारे साक्ष्य हमारे पास है। तो हमारा ये मौलिक अधिकार है कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और हर दिन हर पल भगवान शिव का है, तो हम लोगों ने आज से 3 दिन पहले करीब 15 से 20 कार्यकर्ताओं को पहले डाक कावड़ लेने के लिए भेजा, उसके बाद रात को हमारे पास कावड़ आई और हमने सुबह यहाँ आके जलाभिषेक कर दिया। दूसरा ये है कि हमारा शिवलिंग नीचे अंदर है, जो कलंक की निशानी ऊपर तो बनी हुई है उसके नीचे शिवलिंग है, हमने कई बार विरोध किया और कहा भी है जांच का विषय से जांच कराइएगा, हमारा मौलिक अधिकार है वहां जाना, हम जाते रहेंगे क्योंकि वो हमारे लिए शिव मंदिर है। और इस बड़ी बहस में हमारे साथ ओम जी उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं जो कि इतिहासकार हैं। ओम जी, अगर बात की जाए इस पूरे मामले की तो इसका जो इतिहास का पक्ष आपने बताया, लेकिन कानूनी पहलू क्या कहता है इस मामले को लेकर के, कानूनी क्या कुछ अभी तक कार्रवाइयां हुई हैं? देखिए अभी लगातार इस पे जो चर्चा हो रही थी चंदन जी, मैं बीच में प्रयास कर रहा था कि अपनी बात कह सकूं,
ऐतिहासिक प्रमाण किसी ने अभी कहा कि केवल इतिहासकार की किताबों पे है, इतिहासकार की किताबों में प्राइमरी सोर्सेज का भी उल्लेख होता है। अगर वो बादशाहनामा के पेज नंबर 402 403 का उल्लेख कर रहे हैं तो बादशाहनामा के पेज नंबर 402 403 को एक बार आप पढ़िए तो देखिए तो उसमें क्या लिखा है। अगर वो बटेश्वर अभिलेख का उल्लेख कर रहे हैं तो बटेश्वर अभिलेख के जो तथ्य हैं उनको ठीक तरीके से खुली आंखों से खुले दिमाग से एक बार देखने की कोशिश कीजिए। इसके बाद जो न्याय का पक्ष है, अच्छा इसमें कई बार ऐसा हुआ पिछले 30-40 सालों में चंदन जी, जो मुझे ध्यान है कि एक कई हमारे संतों को जो अपना धर्मदंड लेके अंदर घुसने का प्रयास किया, उनको चलिए हमारे पास माफी चाहूंगा, हमारे पास समय की अब थोड़ी कमी है। और क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के ताजमहल बनाम तेजो महालय को लेकर के विवाद लगातार खड़ा करने की कोशिश की जाती रही है, अदालत का भी दरवाजा खटखटाया जाता रहा है, तो अब देखना यह होगा कि इस मामले में आगे अदालत का क्या रवैया रहता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का इस बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़ने के लिए।